औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है FIA SI पास पेपर 2019। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके MCQs को देखेंगे। अगर आप लोगों को SI सिलेबस और आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है, तो एक वीडियो है मैंने बनाई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं उसका सिलेबस और आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, तैयारी के मटेरियल सब कुछ वहाँ पे गिवन है। तो पहला MCQ हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय अल्लाह एट्रीब्यूट अलबारी। अलबारी जो अल्लाह का जो नाम है उसकी मीनिंग क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है द मेकर, बनाने वाला। नेक्स्ट MCQ है, द फर्स्ट इस्लामिक मंथ इज़। इस्लामिक कैलेंडर या उसको कमरी कैलेंडर भी बोलते हैं या लूनर कैलेंडर भी बोलते हैं, उसका पहला महीना क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है मुहर्रम। दूसरा जो हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसको सोलर कैलेंडर भी बोलते हैं, और उसका पहला महीना क्या होता है वो तो सबको पता है, जनवरी। नेक्स्ट है अब्दुल्ला बिन उबई वाज। अब्दुल्ला बिन उबई क्या था? एक हाइपोक्रेट था, मुनाफिक था, जिसने मस्जिद दरार भी बनाई थी, जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत भी लगाई थी, ये वही अब्दुल्ला बिन उबई है। द नेम ऑफ सेकेंड कलमा इज़। दूसरा कलमे का नाम क्या है? पहले का तैबा, दूसरे का शहादत। आप लोग इस कलमे के तमाम नाम याद कर लें, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये भी MCQs में आते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वर्सेस ऑफ सूरह अलक वाज फर्स्ट रिवील्ड ऑन दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल 6 महीने जब उनकी उम्र हुई तो पहली वही नाजिल हुई, और पहली वही में सूरह अलक के 5 आयातें उन पर नाजिल हुई थी। नेक्स्ट है The height of नंगा पर्वत is। नंगा पर्वत की हाइट कितनी है? तो करेक्ट ऑप्शन है 8126 मीटर। ये पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट जो है चोटी है, पहली K2 है। नेक्स्ट है The salt range is situated between river Swan and river Jhelum। करेक्ट ऑप्शन है river Jhelum। नेक्स्ट MCQs हैं, व्हाट इज़ दी टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का कुल एरिया, कुल रकबा कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जितने भी मतलब सूबे हैं उसका भी एरिया आप लोग देख सकते हैं, देख लें, वो भी सीख लें। ठीक है, क्योंकि ऐसी तरह के MCQs आते हैं। वेयर डिड बेनज़ीर भुट्टो डाइड। बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पर शहीद हो गई या कहाँ पर वफात पा गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है रावलपिंडी। नेक्स्ट MCQs हैं, विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। सबसे यंगेस्ट जो माउंटेन रेंज है ज़मीन पर वो कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हिमालयाज। नेक्स्ट MCQs हैं, पाकिस्तान लाइज बिटवीन द एटीट्यूड। पाकिस्तान जो है वो कौन से ज़मीन पर, कौन से कितने एल्टीट्यूड पर वाकिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है 24 to 37 डिग्री एन। नेक्स्ट है K2 इज़ आल्सो नोन हैज। K2 को क्या कहा जाता है? गॉडविन एस्टन। ये आप लोग को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जो जनरल नॉलेज के हैं उसमें आप लोग को ये तमाम के तमाम MCQs मिलेंगे, वो देखें, और ये MCQs भी इंशाल्लाह उसी, ये तमाम MCQs इस्लामियात के जो गुजरे हैं वो तमाम ये देखें। मिराज शरीफ इवेंट अकर ऑन, ये इस्लामियात के MCQs में आप लोग को तमाम MCQs आप लोगों को मिलेंगे। वो कोर्स आप लोगों को मैंने बता दिया है, वो भी आप लोग देख लें एक दफ़ा। 10 नबी को मेराज शरीफ का इवेंट हुआ था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन मार्च 6 28 को जो सुलह हुदैबिया हुआ था वो अरबिक कैलेंडर में कौन सी तारीख हुआ था? ज़ुलहज्जा 6 हिजरी को हुआ था। ये तमाम MCQs इस्लामियात के उसमें मौजूद हैं, ये देखें। ये कुरान के जो MCQs हैं, ये कुरान की वीडियो है इस्लामिक स्टडी के कोर्स में प्लेलिस्ट में, उसमें मौजूद हैं। इन नमल टू बिस्मिल्लाह अकर्ज, यानी सेकंड वन इज़ 8 आयत नंबर 30, यानी पहली जो बिस्मिल्लाह है वो स्टार्ट में हुई है, दूसरी तीसरी आयत में, दूसरी बिस्मिल्लाह सूरह नमल में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सूरह दैट वाज लास्ट रिवील्ड ऑन द कुरान। कुरान पाक की आखिरी जो नाजिल हुई सूरत है वो सूरह अन्नसर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हदीस नरेटेड बाय हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तमाम के तमाम MCQs आप लोग को वहाँ पे मिलेंगे, आप लोग एक दफ़ा वो देख लें, पढ़ लें,
ठीक है, तो 5374 हदीस हैं हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की हैं। नेक्स्ट है, अबू जहल वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ, अबू जहल कौन से गजवे में कत्ल किया गया था, तो बदर में माज और माउज ने उसको गिराया और अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फिर उनके सीने पर चढ़कर उनका गला काटा था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी रीजन पार्ट्स, पाकिस्तान कितने मतलब जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान कितने हिस्सों में डिवाइड है, तो करेक्ट ऑप्शन है 4 हिस्सों में। नेक्स्ट हम सीखे हैं, द रेंज ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, हड़प्पा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। ठीक है, हड़प्पा के कंडार्थ या हड़प्पा जो है वो साहिवाल में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। हु वाज सैयद जमालुद्दीन अफगानी, सैयद जमालुद्दीन अफगानी कौन थे, तो वो एक थिंकर थे। ठीक है, उस सैयद जमालुद्दीन के हवाले से एक और एमसीक्यूज भी इसमें हैं जो कि नेक्स्ट हैं, इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डाइड, किस साल सैयद जमालुद्दीन अफगानी वफात पा गए थे, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1897 को सैयद जमालुद्दीन अफगानी कैंसर की वजह से इस्तांबुल और तुर्की में वफात पाए थे। इन पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान इस्टेब्लिश, पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान कब बनाई गई, कब इस्टेब्लिश की गई, तो करेक्ट ऑप्शन है दिसंबर 25, 2014। नेक्स्ट है, पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम, पाकिस्तान ने गवादर किससे परचेज किया, कौन सी कंट्री से किया, तो करेक्ट ऑप्शन है ओमान। नेक्स्ट एम सी क्यूज है, यूएनओ चार्टर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर एट सैन फ्रांसिस्को ऑन 26 जून 1945। नेक्स्ट एम सी क्यूज है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेट्स, तो करेक्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क। ये भी जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी एक वीडियो मेरे जनरल नॉलेज में पढ़ी है, जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में पढ़ी है, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज उसमें आप लोगों को मिलेंगे। कायद आज़म रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर, कायद आज़म ने कांग्रेस से कब रिज़ाइन किया, तो करेक्ट ऑप्शन है 1920, और कायद आज़म ने 10 अक्टूबर 1913 को मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट हैज़ एबिलिटी टू ईट एंड सर्वाइव ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर इज कॉल्ड, तो करेक्ट ऑप्शन है ओमनीवर्स, ओमनीवर्स ऐसे होते हैं जो दोनों पौधे और जो जानवर हैं दोनों को खाते हैं, जैसे कि इंसान है वो ओमनीवर्स है, सब्जी भी खाता है और वो भी। विच इस्लामी ईयर इज गोइंग ऑन, कौन सा इस्लामिक साल अभी चल रहा है, जो अभी मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है, तो 1444 साल जो है वो चल रहा है। ठीक है, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइन पाकिस्तान ऑन 1947, वो कौन सा स्टेट था जिसने 1947 में पहली दफ़ा पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, तो वो स्टेट था बहावलपुर। नेक्स्ट हम सीखे हुए, इन 1969 ब्लैंक ज्वाइन पाकिस्तान, तो करेक्ट ऑप्शन है सवात और चतराल, यानी दोनों ने 1969 को पाकिस्तान के साथ इलहाक किया था, उसके साथ शामिल हुए थे पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल गेम पे एक वीडियो बनी है तमाम कंट्रीज़ के मुख्तलिफ नेशनल गेम पे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में पड़ी है। तो पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है, हॉकी है। नेक्स्ट है, ऑन 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान बिकम दी 53 मेंबर ऑफ यूएनओ, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ में शामिल हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट डेर इस्माइल खान विद गाजी, यानी अफगानिस्तान, वो कौन सा पास है जो अफगानिस्तान को डेर इस्माइल खान को अफगानिस्तान के गाजी से मिलाता है, तो वो गोमल पास है। पासिस पे मेरी एक वीडियो पाक स्टडी के प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसमें मुख्तलिफ ये एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ रिटन इन ओनली टू नंबर, 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर, कंप्यूटर जो है वो रीड करता है बाइनरी नंबर को 0 और 1 से जो लिखे जाते हैं। एक्वाटिक्स एनिमल ब्रीथ
इन वाटर थ्रू दियर गिल्स, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो सांस लेते हैं गिल से, और जो खुश्की पे रहते हैं जैसे कि इंसान हो गया, बाकी जानवर हो गए, वो लंग से लेते हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री सिटी ऑफ वेनस सिचुएटेड, कौन सी कंट्री में वेनस सिटी जो है वो मौजूद है? तो करेक्ट ऑप्शन है इटली में। नेक्स्ट है, कैस्केडेड इज अ माउंटेन रेंज इन विच कॉन्टिनेंट इट्स सिचुएटेड, कैस्केडेड जो माउंटेन रेंज है वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये एमसीक्यूज भी जो है वो आप लोगों को जनरल नॉलेज के लार्जेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, और इसकी एक वीडियो है उसमें आप लोगों को मिलेगी। तो यूनाइटेड स्टेट जो हैं वो हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर हैं। आवर बॉडी नीड्स विटामिन ई फॉर बोथ एंटी ऑक्सीडेंट और प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल। मेरे जो जनरल एवरीडे साइंस के जो एमसीक्यूज हैं उसमें की वीडियोस में, प्लेलिस्ट में, एवरीडे साइंस के प्लेलिस्ट में विटामिन्स की वीडियो हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, विटामिन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। यानी नरेंद्र मोदी जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल? डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है सिग्नल को? तो राउटर। डिवाइसेस पे मेरी अलग सी वीडियो है जनरल नॉलेज में, तो वो अभी आप लोगों देख सकते हैं। दी सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकल कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट मोडेम, मोडेम के अलावा बाकी तमाम इसमें यूनिट्स मौजूद होते हैं। फातिमा भुट्टो वाज दी डॉटर ऑफ, फातिमा भुट्टो किसकी बेटी है? तो करेक्ट ऑप्शन है मुर्तज़ा भुट्टो की। ये बेनज़ीर भुट्टो का भाई है मुर्तज़ा भुट्टो, और फातिमा भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी हैं। ये कालम निगार हैं ये फातिमा भुट्टो। नेक्स्ट है, विच बुक ऑफ अलामा इकबाल वाज पब्लिश्ड ऑन इकोनॉमी? तो करेक्ट ऑप्शन है इल्म अल इक्तसाद। ये अलामा इकबाल की 1903 में पब्लिश होने वाली किताब है जो इकोनॉमी पे लिखी गई है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट नोबल प्राइज़ वॉज अवार्डेड इन एयर, पहला नोबल प्राइज़ किस साल को दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है 1901 में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के नए नए जॉब्स एडवर्टीजमेंट, इसी तरह एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं वो तमाम के तमाम आप